नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स कितने तरह के होते हैं, सबसे पहले देखते हैं फॉसिल्स कैसे बनते हैं और क्या प्रक्रिया होती है, और उन्हीं के आधार पर तय होता है कि फॉसिल का जो टाइप है वो प्रकार है वो किस तरह का होगा। फॉसिल्स को उनके बनने के प्रोसेस के अनुसार ही इसको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मुख्य रूप से दो तरह के टाइप्स बनते हैं, पहला है बॉडी फॉसिल्स एंड दूसरा है ट्रेस फॉसिल्स। बॉडी फॉसिल्स वो होते हैं जिससे पूरी बॉडी प्रिजर्व होती है, बॉडी का कुछ पार्ट प्रिजर्व होता है या फिर उसके कुछ रिमेन्स उसके केमिकल फॉर्म में या स्ट्रक्चरल फॉर्म से प्रिजर्व होते हैं, दिस इज कॉल्ड बॉडी फॉसिल्स। और ट्रेस फॉसिल्स जो होती है उसके कुछ निशान बस रह जाते हैं, उसको कहते हैं ट्रेस फॉसिल। अब इसको विस्तार से देखते हैं अलग अलग कितने तरह के होते हैं। बॉडी फॉसिल्स जो होते हैं दे आर रिमेन्स ऑफ एक्चुअल ऑर्गेनिज्म, जो एक्चुअल ऑर्गेनिज्म होता है उनके रिमेन्स होते हैं, ये अवशेष होते हैं। नॉर्मली ओनली द हार्ट स्केलेटन इज प्रिजर्व, जो शेल या बोन्स तरह के जो हार्ट टिश्यू होते हैं हार्ट स्केलेटन होता है वही प्रिजर्व होता है, जबकि जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जैसे कि स्किन मसल्स ऑर्गन ये सभी धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं डेथ के बाद। जो एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका स्केलेटन बहुत वीक होता है जैसे कि इंसेक्ट श्रिंप इत्यादि जो होते हैं ये आसानी से प्रिजर्व नहीं होते क्योंकि ये आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए इसके रिमेन्स नहीं रह जाते, उनमें हार्ट टिश्यू नहीं पाई जाती। एनिमल्स दैट लैक अ स्केलेटन, जिसमें स्केलेटन नहीं पाया जाता कठोर टिश्यू नहीं पाया जाता वो रेयरली फॉसिलाइज, बड़ी मुश्किल से फॉसिलाइज होते हैं या फिर बिल्कुल नहीं हो पाते। और देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, ये कौन कौन से हैं इसको हम अलग से देखेंगे। सबसे पहले है कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉसिल फॉर्म स्पेशली इन प्लांट्स। प्लांट्स में ज्यादा होते हैं क्योंकि प्लांट के टिश्यू ज्यादातर एनिमल से कठोर होते हैं। द ऑर्गेनिज्म इज स्लोली कंप्रेस्ड बिटवीन सेडिमेंट लेयर, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होता है जो प्लांट होता है या कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो कि जो रॉक सेडिमेंट्स होते हैं उनके बीच में ये कंप्रेस्ड हो जाते हैं दब जाते हैं और उसकी वजह से सम और इंटायर ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म लेफ्ट बिहाइंड एज इम्प्रिंट, और ये उन सेडिमेंट्स के बीच में छप जाते हैं या तो पूरा ऑर्गेनिज्म या फिर उसका कुछ हिस्सा उसमें छप जाता है। फॉसिल्स होते हैं या ऑफन डिस्टॉर्टेड, जैसे कि कोल में, कोल में हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ये कौन से प्लांट का फॉसिल है, कोल इज अ फॉसिल, लेकिन ये कौन से प्लांट का है किस ऑर्गेनिज्म का है ये हम नहीं बता सकते। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से कंप्रेशन फॉसिल्स बनते हैं, ये जैसे कोल बनते हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलन वेजिटेशन, जो वेजिटेशन वहां पर पहले कभी थी वो गिर गई नष्ट हो गई, वहां पर हाइपॉक्सिक यानी कि एनारोबिक कंडीशन थी, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, स्वैम्प थे, दलदली था, तो उसमें जो वेजिटेशन वहां पे थी जो ड्राई जो खत्म हो गई वो स्लज के फॉर्म में रहती है, और वर्टिकल कंप्रेशन की वजह से वर्टिकल जो प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर ऊपर से दबाव पड़ता है वो लगभग 300 मिलियन ईयर्स तक ये स्थिति रही, तब जाकर वो कोल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, एंड इसका मतलब है कोल इज अ फॉसिल। इसका एक एग्जाम्पल ये रहा कंप्रेशन फॉसिल ऑफ अ प्रीहिस्टोरिक मॉथ। प्रीहिस्टोरिक मॉथ कैसे होते थे उसका एक कंप्रेशन फॉसिल का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक हल्की सी आउटलाइन रॉक के ऊपर जो सेडिमेंट्स हैं उनके ऊपर ये छपी हुई दिखाई दे रही है आपको, दिस इज द कंप्रेशन फॉसिल। इसमें बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, मुख्य रूप से दो मैं यहाँ बता रही हूँ आपको कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज कॉम्पैक्शन फॉसिल। कॉम्पैक्शन मतलब कॉम्पैक्ट आप समझते हो, कॉम्पैक्ट मतलब होता है कि दबाव हो जाना दो तरह से बीच में और बीच में वो कोई प्रेस हो जाना किसी चीज का दो लेयर्स के बीच में। इसमें है दैट हैज लेस फ्लैटनिंग एंड डिस्टॉर्शन, इसमें डिस्टॉर्शन कम होता है, एंड थ्री डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होता है वो इज पार्टली ऑब्जर्वेबल, उसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे सकता है। इसका एक एग्जाम्पल आप रॉक देखिए, रॉक पे छपा हुआ आर्कियोप्टेरिक्स, आपने बहुत पहले से ही किताबों में देखा होगा उसका ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर रॉक के ऊपर इस तरह से छपा हुआ होता है। जो कंपैक्शन होता है आर रेयर अमंग्स क्रस्टेशियंस, क्योंकि उसके सॉफ्ट टिश्यू होते हैं काइटिनस लेयर्स होती हैं उसमें वो आसानी से प्रिजर्व नहीं होती। इन लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, जिसमें कि सॉफ्ट टिश्यू जो है वो बहुत ही कम होते हैं या आसानी से प्रिजर्व नहीं होते, उनके जो हार्ड टिश्यू होते हैं जैसे बोन्स टीथ उस तरह की चीजें ही कॉम्पैक्शन फॉसिल बनाती हैं। फॉसिल फॉर्म्स आर मोर लाइकली टू बी कंप्रेशन देन कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन ऑफ प्लांट फॉर्म्स आर मोर कॉमनली फाउंड, ज्यादातर इस तरह के जो अवशेष पाए जाते हैं वो प्लांट से पाए जाते हैं। दूसरा सब टाइप है इंक्लूजन। इंक्लूजन क्या होता है, जैसे कि एन इंसेक्ट है, कोई भी एक इंसेक्ट है वो अंबर जो होता है एक मटेरियल है जो कि प्लांट कोनिफेरस प्लांट्स के रीजन से बनता है,
रेजिन्स होता है, ये फॉसिलाइज हो जाता है और अंबर बनाता है। और ये अंबर जो होता है ये स्टोन की जैसा कठोर होता है। तो जब वो रेजिन कठोर नहीं हुआ था उस समय में जो इंसेक्ट होता है वो इस रेजिन में अगर ट्रैप हो गया और धीरे धीरे ट्रैप होने की वजह से वो वहां पर डेड हो जाता है। और धीरे धीरे जब ये जो रेजिन है ये कठोर होने के बाद अंबर बना लेता है तो वो उसी में लॉक्ड रह जाता है, उसी में पैक रह जाता है उस मटेरियल के अंदर। एंड दिस टाइप ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड एज इंक्लूजन। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, दिस इज अंबर एंड दिस इज द इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अंबर। जो सेकंड टाइप का फॉसिल है परमिनरलाइजेशन एंड पेट्रीफैक्शन भी कहते हैं इसे। और ये कैसे होता है, रिजल्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ ओरिजिनल रिमेन्स। जो प्लांट वहां हुआ करता था कभी, उसके जो ओरिजिनल रिमेन्स है वो वहां से उसके बदले जो स्पेसिफिक कुछ मिनरल्स होते हैं वो वहां डिपॉजिट हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को मिनरलाइजेशन भी कहते हैं। मुख्य रूप से कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आयरन सल्फाइड, आयरन कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट ही वहां पर डिपॉजिट होते हैं। और जैसे ही वो टिश्यू डेड होता है जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो डिजॉल्व हो जाती हैं और उसकी वजह से जो गैप बनता है वहां पर ये मिनरल्स इकट्ठे हो जाते हैं और एक तरह से स्टोन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, पथरीला हो जाता है वो। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एरिजोना में जो पेट्रीफाइड फॉरेस्ट है यहाँ पर ये ट्रीज के रिमेन्स हैं और इसमें कोई सॉफ्ट टिश्यू नहीं बची है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरे मिनरल्स के जो डिपॉजिट हैं वो एक ट्री के जैसे संरचना में उसी के फॉर्म में वहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तीसरा टाइप का फॉसिल है कास्ट एंड मोल्ड्स। ये कास्ट एंड मोल्ड क्या होता है, अ मोल्ड फॉसिल इज द इक्विवेलेंट ऑफ अ प्लास्टर कास्ट मोल्ड ऑफ अ वैक्स मॉडल। वैक्स की मूर्तियां बनाने के लिए जैसे कास्ट एंड मोल्ड तैयार किए जाते हैं उस तरह का है इसमें। इफ देन ऑर्गेनिज्म बिकम्स ट्रैप्ड इन सेडिमेंट, सॉफ्ट टिश्यू तो डिके हो जाते हैं, कोई एनिमल जो है वो अगर मरने के बाद सेडिमेंट्स में ट्रैप्ड हो जाता है तो सॉफ्ट टिश्यू नष्ट हो जाते हैं उसके। लेकिन डिकम्पोजिशन ऑफ द हार्ड टिश्यू जैसे टीथ, शेल, ये कैरापेसेस, बोन्स इत्यादि, ये बहुत ही धीमी गति से डिकम्पोज हो जाते हैं और ये उसी में दबे रह जाते हैं। अब क्या होता है, इनके ऊपर जो डिपॉजिट शो होना, जो सेडिमेंट्स हैं वहां पर वो धीरे धीरे इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। और जब ये सेडिमेंट ड्राई आउट हो जाते हैं और ये रॉक बन जाते हैं, और जब बाद में हम इन्हें खोलते हैं, व्हेन द रॉक इज क्रैक्ड ओपन मिलियंस ऑफ ईयर लेटर, मिलियंस ऑफ ईयर के बाद हम इसको खोलते हैं, तो हमें उस ऑर्गेनिज्म का जो बाहरी सांचा था उसके ऊपर का जो हमें इम्प्रेशन है वो उस रॉक के, खुले हुए रॉक के अंदर हमें दिखाई देता है। और ये उस ऑर्गेनिज्म का आउटलाइन शो करता है हमें, जैसे कि दिस इज मोल्ड, दिस इज मोल्ड। यहाँ पर पहले एक इस तरह का एनिमल ट्रैप्ड हुआ रहा होगा, उसके ऊपर सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए, तो उसकी बाहरी आकृति का जो छाप है वो इस रॉक के ऊपर आ गई, दिस इज कॉल्ड मोल्ड। इसी तरह से कास्ट फॉसिल क्या होता है, कास्ट फॉसिल इज इक्विवेलेंट टू द लिक्विड पोर्सलेन पोर इन टू प्लास्टर कास्ट मोल्ड। प्लास्टर का कोई कास्ट मोल्ड है, सांचा है, उसके अंदर हम लिक्विड पोर्सलेन को डाल देते हैं तो क्या होगा, उसका जो स्ट्रक्चर है अंदर की तरफ उसके शेप उस लिक्विड में धीरे धीरे सूखने के बाद, ठंडे होने के बाद या फिर सॉलिड होने के बाद हमें दिखाई देता है, दिस इज कॉल्ड कास्ट। जैसे जैसे धीरे धीरे डिकम्पोज होता जाता है, लेकिन जो ऊपरी की उसका शेल था, जो रॉक शेल था उसका, उसमें उस ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि डिकम्पोजिशन बहुत ही स्लो हो रहा है और या फिर मिनरलाइजेशन प्रोसेस हो रही है, तो उसके शेप में वो इकट्ठा हो जाता है। दिस प्रोसेस इज सेम एज पेट्रीफैक्शन। पेट्रीफैक्शन में जैसे क्या था, प्लांट में आपने देखा एरिजोना पेट्रीफाइड फॉरेस्ट की तरह, उसमें मिनरल्स डिपॉजिट होने के बाद जो सॉफ्ट टिश्यू थे उसके बदले मिनरल्स इकट्ठे होने की वजह से उसी प्लांट का सांचे, उसी शेप का, उसी स्ट्रक्चर का सांचा जो है वो सेव हो जाता है, रह जाता है। यही प्रक्रिया बिल्कुल कास्ट फॉसिल में भी होती है, वो वहां पर मिनरेशन की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, वो जो रॉक के सांचे के अंदर वो उसका ऑर्गेनिज्म का डिपॉजिट इकट्ठा होता जाता है। और इस तरह से पेट्रीफैक्शन की क्रिया की तरह ही यहाँ पर वो फसल प्रिजर्व हो जाता है। दिस इज द एग्जाम्पल कास्ट फसल ऑफ वेल्क, जायंट वेल्क मॉर्फोलॉजी इन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहाँ पर प्राप्त होती है, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर था रॉक का, जो सेडिमेंट का जो खूब भाग था वो खोखला था और वहां पर उस ऑर्गेनिज्म का डिपॉजिट इकट्ठा हुआ है। एक कास्ट जो होता है, अ कास्ट ऑलवेज हैज अ मोल्ड। कास्ट एंड मोल्ड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कास्ट होगा तो ही मोल्ड बनेगा, मोल्ड होगा तो ही कास्ट बनेगा।
और ये बहुत ही मिलियन ऑफ ईयर्स में इकट्ठे होते हैं, प्रिजर्व होते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल इज केमिकल फॉसिल्स या कीमो फॉसिल्स जिसको कहते हैं. समटाइम्स एज इन केस ऑफ कार्बोनाइजेशन, कार्बन की जो प्रक्रिया होती है बनने की, जैसे कि कोल बनने की जो प्रक्रिया होती है, देयर ऑल अदर केमिकल ट्रेसेस स्लोली डिसअपीयर. दूसरे सारे केमिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के वो नष्ट हो जाते हैं और सिर्फ एक थिन लेयर कार्बन की रह जाती है. और इस फिनोमेनन को कहते हैं कार्बन फिल्म फॉसिल या फाइटोलिंग भी कहा जाता है इन्हें. और ये देखने में कैसे होते हैं, इट लुक्स लाइक अ केयरफुल ब्लैक एंड ब्राउन ट्रेसिंग ऑफ ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म. जैसे ट्रेसिंग पेपर पर किसी का छाप ले लिया जाता है, इस तरह का हमें ये दिखाई देता है. और ये हमें टू डायमेंशनल फिल्म के रूप में मिलती है ये चीजें जो कि फॉसिल्स होते हैं. इनफैक्ट एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेफ्ट बिहाइंड, जो भी किसी ऑर्गेनिज्म का डेड होने के बाद, डिकम्पोज होने के बाद जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वहां रह जाता है, वो ही हमें ये सबूत देता है कि वहां पर वो ऑर्गेनिज्म उसके कंपोनेंट्स में क्या क्या प्रेजेंट थे. एंड दीज आर प्रिजर्व्ड एज केमिकल फॉसिल्स. दूसरा जो टाइप था, ये सारे एग्जांपल अभी तक बॉडी फॉसिल्स के थे. अब है ट्रेस फॉसिल. ट्रेस फॉसिल मतलब होता है सिर्फ निशान, इसको बोलते हैं ट्रेस फॉसिल्स. और इसको इक्नो फॉसिल्स भी बोलते हैं. और ये एक्चुअली क्या हमें सबूत देते हैं, किस बात का सबूत देते हैं, ट्रैक फॉसिल्स. ट्रेस फॉसिल्स आर वेरियस ट्रैक्स, उनके पदछाप ट्रेल्स, जहां वो चला करते थे कभी. उनके जैसे रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जमीन पे छाप छोड़ जाते हैं, दैट इज ट्रेल्स. एंड बरोज, जैसे कि चूहे बिल जिसको बोलते हैं, बिल. द रेंज फ्रॉम वर्म, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उनके बरोज से लेकर डायनासोर्स के फुटप्रिंट्स तक ट्रेस फॉसिल्स पाए जाते हैं. और ये हमें जो सूचना देते हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी देते हैं, वो एनिमल के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं देते, जबकि एनिमल के बिहेवियर के बारे में देते हैं कि वो कैसे चलते थे, कहाँ रहते थे, किस तरह रेंगते थे इत्यादि. एनाटॉमिकल फॉर्म के बारे में भी कुछ नहीं बता सकते. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन लर्न हाउ एनिमल्स मूव्ड और फेड, ये कैसे मूव करते थे, क्या खा, किस तरह से खाते थे, इनके बारे में हमें ये बताते हैं. इसके चार सब ग्रुप्स हैं. पहला ट्रैक्स. ट्रैक्स आर एक्चुअली फुटप्रिंट्स, जिसको हम पद छाप कहते हैं, वो होते हैं फुटप्रिंट्स. इसके पॉ प्रिंट्स, पंजे के छाप होते हैं, या फिर क्लॉज जो होते हैं, क्लॉ मीन्स होता है पंजा, उनके छाप होते हैं. और ये बिकम कवर्ड विथ सेडिमेंट्स, ये काफी सालों के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर के बाद सेडिमेंट से कवर हो जाते हैं, बिफोर दे वॉश्ड अवे बाय रेन और वेव. जो ऑर्गेनिज्म था उसके जो टिश्यूज हैं वो रेन के साथ या वेव के साथ नष्ट हो जाते हैं, जबकि उनकी छाप उस सेडिमेंट पर, उस रॉक पर रह जाती हैं. जैसे कि एग्जांपल टायरेनोसॉरस रेक्स का एग्जांपल यहाँ पर आपने बहुत बार देखा होगा. दिस इज द फुटप्रिंट ऑफ टायरेनोसॉरस, ये डायनासोर की एक प्रजाति है. उसी तरह ट्रेल्स क्या होते हैं, ट्रेल्स आर नॉट यूजुअली मेड बाय फीट, इनपे पैर से नहीं बनते, जबकि जैसे कि या फिर ये टेंटिकल से बनते हैं, या फिर जो क्रॉलिंग पैटर्न होता है, जैसे कि रेंगने वाले सांप, गिरगिट या वॉर्म्स, इनके जो जमीन पे निशान बन जाते हैं ये चलने के बाद, दीज आर कॉल्ड ट्रेल्स. इसी तरह से कोपोलाइट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म का, एनिमल्स का जो सॉलिड एक्सक्रीटा होता है, जो फीसेस होता है, विच एक्चुअली कंटेन्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट रिमेनेंट ऑफ मील्स, जो वो भोजन करते थे उसके बारे में ये हमें बता सकते हैं. द फर्स्ट कोपोलाइट्स आर यूजुअली पेट्रीफाइड्स, ये पेट्रीफाइड भी हो सकते हैं या कास्ट के रूप में या फिर मोल्ड के रूप में अभी तक प्राप्त होते हैं. लास्ट इज गैस्ट्रोलिथ. गैस्ट्रोलिथ, लिथ मीन्स होता है स्टोन, गैस्ट्रो मीन्स डाइजेशन, खाना, भोजन से रिलेटेड है ये. These are stones swallowed by certain animals to aid digestion. ये अगर remains कहीं मिल जाता है, तो इसको, इस तरह के remains को कहते हैं gastroliths. धन्यवाद, आशा करती हूँ आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा. थैंक यू.